हाय फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से. हम आपको ऑफर करते हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग के एडवांस कोर्सेज, जिसमें आपको डेटा एनालिसिस, डैशबोर्ड, एक्सेल वीजी, एडवांस एक्सेल फार्मूला, एमएस एक्सेल डेटाबेस, एक्सेल वीजी के साथ कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन का प्रोग्राम. तो अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीक्वल सर्वर. हमें लास्ट वीडियो में आपको सीक्वल सर्वर सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताया था. हम सिलेक्ट स्टेटमेंट से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जो है कुछ नई चीज टेबल को एडिट करने वाली चीजें बता रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं. मैं यहाँ पे एरिया का कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो हम अल्टर यूज करते हैं ऐड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए. अल्टर यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल और किसके अंदर तो सेल. क्या करना है तो ऐड क्या आए तो कॉलम या यहाँ पे ऐड हम कर देते हैं एरिया. अब इसको रन करते हैं एक मिनट में एक छोटी जगह से. और यहाँ पे देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे ले दिया क्या है 15. हमें इसका ये देना होगा कि क्या एरिया तो हमने किया, एरिया का डेटा टाइप क्या है ये डिफाइन करना होगा. से पूरे हो गया, मतलब अगर मैं अगर देखूँ यहाँ पे अगर हम सैलरी को सिलेक्ट करते हैं कैसे, तो आप देखिएगा कि एरिया एक हमारे पास एरिया डालने के लिए आप अपडेट वैल्यू लगाएंगे तो एरिया भी रहेगी. अपडेट से मान अगर डालते हैं जिससे एरिया लेकिन एरिया है वो एरिया भी इसे डाल सकते हैं. अपडेट करते हैं अल्टर में इस तरह से कॉलम को ऐड करते हैं. अब होता है कि आप कॉलम जिसके मान लीजिए कि डेट है, वो डेट को टेक्स्ट करना, इसका जो है टाइम कल्चर फॉर्मर है मैं इसको डेट करना, इसका डेटा टाइप को चेंज करना है, ये भी हम आप लिख सकते हैं. लिखेंगे अल्टर टेबल का नेम सैलरी. अब यहाँ भी क्या करना है, मुझे यहाँ पर अल्टर करना है. अल्टर क्या अल्टर करना है, कॉलम कॉलम. अब कॉलम का नेम मतलब डेट क्या चेंज करना है, तो हमें करना है अब कैसे पता चलेगा, तो एक बार आप सैलरी को रिप्लेस कीजिए यहाँ पे. रिप्लेस करते ही इसके जो कॉलम्स है कॉलम्स चाहिए यहाँ पे देखिए क्या फिफ्टी होगी यहाँ पे आप चेक कर सकते. अल्टर से आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं और साथ में हम कॉलम की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, मान लीजिए कि मुझे कोई कॉलम को मुझे डिलीट एरिया को हमने ऐड किया उस एरिया को डिलीट करना, तो अल्टर के साथ हम उसको लिखेंगे ड्रॉप. तो क्या होगा ड्रॉप यहाँ पे होता है अल्टर टेबल और इसमें टेबल का नेम सैलरी और यहाँ भी क्या लिखना है यहाँ भी लिखना है जॉब कॉलम का नेम मैंने बोला एरिया नहीं यहाँ पे ड्रॉप कॉलम मत लिखना ड्रॉप कॉलम. तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके देखेंगे सिलेक्ट की सिलेक्ट कौन सा आईडी वगैरह में करता हूँ तो यहाँ पे आप एरिया मिल तो फिर से आप ड्रॉप कर सकते हैं. तो ड्रॉप करने की स्टाइल आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिलीट. डिलीट क्या करता है पूरे के पूरे एरिया को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ डेटा डिलीट करना है तो हम उसके लिए ड्रॉप के यूज करते हैं. ड्रॉप पूरा डेटा डिलीट करने में पूरा टेबल डिलीट होगा लेकिन डेटा डिलीट होगा टेबल भी हो सकते हैं. लिखने का तरीका सिंपल है ज्वाइंट
Sonntag, Ehre, Ich bin cool in dieser Klinik. Ich habe mir gerade mega warm gemacht, ich habe Klinik. Das ist das, was ich mache. So, aber das ist doch, aber ich habe doch ein Sonntag, das ist schlecht. Das ist schlecht, das hat eben nur die Seite, wo die Zeige nicht ist, die das ist. Aber auch hier, die muss ganz gut sein, okay, ihr dürft uns die Klinik nicht mehr, aber das ist ganz gut sein, wenn die Uhr schon nicht. So, gibt ihr mal ein Excel-File oder ein Video? Das Excel-File ist ein Download-Kanal. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और फॉलो मोर टू मुझे कॉल फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे